गाइस तो कैसे आप सब लोग, आपका मेरे चैनल स्वागत है। तो गाइस आपको एक बात बताऊंगा, हमने न्यू गाड़ी ली है i20, हुंडई i20। तो आज हम उसका रिव्यू करेंगे और कैसी कुछ है भैया, वो आप खुद मतलब कमेंट में करके बताना भैया। और मतलब ठीक है भाई, सेकंड हैंड है और 17 मॉडल है भाई। और वो जो टाटा सफारी थी उसको हमने बेच दिया है और भाई हमने i20 ले ली है। चलो आज हम करते हैं हुंडई i20 का रिव्यू। तो चलो भाई, ये रही हमारी हुंडई i20। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। और भाई जो साइड में जो भी बोल रही ना भाई, इनको कर देना आप इग्नोर। तो भाई हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले भाई इस गाड़ी में एक प्रीमियम फीचर बताऊं, और ये प्रीमियम लुक है भाई इसका, आप देख लो। और साथ ही साथ भाई आप इसमें देखो, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट कंट्रोल है भाई। और साथ ही साथ भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत अच्छा है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे ये म्यूजिक कंट्रोल है वो भी हमें यहाँ पर हैंडल पे मिल जाते हैं, स्टेयरिंग व्हील पे। और साथ भाई आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ पर भी हम अपने और ORBM को सेट कर सकते हैं। ये हम अपना मिरर फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और भाई और इसको हम यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर है। और अप डाउन मतलब ये ऑटो डाउन और अप वाला ये फीचर है इसमें। और भाई और यहाँ पर कुछ हमें मतलब, अब ये शीशा है भाई, जब मैं इसका ये देख लो भैया, इसका जो शेयर कैसे होता है, वैसे तो आजकल की सभी गाड़ियों में लगता है, ठीक है भाई। हम आप भाई ये मैं रिवर्स गियर अभी मैंने स्टार्ट नहीं की हुई है, लेकिन जब मैं लगाऊंगा तो भाई ये मिरर है इस पे अपना शो होगा। इसका कैमरा बहुत अच्छा है भाई। और यहाँ पर हमें दो कप होल्डर मिल जाते हैं। ये हमारा प्रीमियम मतलब जो सीट कवर है, ये जो भाई लेदर की है बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ भाई हमें यहाँ पर एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊँ तो वो चीज़ भाई, यहाँ पर ये देखो, पीछे एक ही फ़ोन चार्ज कर सकते हैं भैया। वो हम पीछे तो ये नहीं दिया हुआ है शायद, मैं एक बार देख के बताता हूँ। न्यू न्यू है तो मैंने अभी इसकी पूरी दिखी नहीं है गाड़ी को कि कैसे चलती है, बस थोड़ा सा एक बार राउंड मार कर आया था भाई, उसमें क्या पता चलता है। तो कभी फिर मैं इसका राउंड मारूंगा। तो ऊपर की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पर हम अपने गला, अपने जो वो होते हैं भाई, हम अपने क्या वो स्पेक्स वगैरह हम यहाँ पर रख सकते हैं। और भाई हेलोजन हमें यहाँ पर ये मिल जाते हैं अपने लाइट। और साथ ही साथ भाई जो ये आवाज़ आ रही है तो इसको कर देना इग्नोर। हम यहाँ पर हमारे प्लाट में, यहाँ पर ये हमने गाड़ी धूप में खड़ी थी तो यहाँ पर हम ये इसको खड़ी कर देते हैं। और ऊपर देख, ऊपर की तरफ आप देखोगे एक बार भाई, मैं सीट को कर लेता हूँ पीछे। अब देखो भाई ऊपर हमें ये धूप से प्रोटेक्शन के लिए हमें ये मिल जाता है, साइड में भी, साइड वाले में हमें एक मिरर भी मिल जाता है। और भाई आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो मुझे प्रीमियम लगती है वो क्या है भाई, अब जैसे भाई इसमें एक चीज़ वो है, मुझे सबसे बढ़िया इसका हैंड ब्रेक लगता है। ये देखो भाई ऊपर जो इसका ये है, ये आता है सभी गाड़ियों में आता है, लेकिन भाई इसका और भी अच्छा है। और ठीक है, और ये हमारी डीजल डीजल है, डीजल कार है, आपको मीटर से ही शो हो रहा होगा। आपको एक मतलब निशानी बताऊंगा डीजल और पेट्रोल गाड़ी की। तो आपको मीटर जो डीजल गाड़ी में होता है वो यहाँ पर आपको 6,000 तक RPM मीटर तक मिलता है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी में आपको 8,000 तक RPM मीटर मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो भाई डीजल गाड़ी में आता है, क्योंकि
क्योंकि इसका पिक बहुत स्मूथ होता है, और ऊपर से इस गाड़ी में, इस गाड़ी की ही बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। डीजल गाड़ी भाई ऐसे स्मूथ चलती है। और ऊपर एक और बात बताऊँ भाई आपको, जो हमारी डीजल गाड़ी होती है इसमें हमें फर्स्ट गियर में मतलब कोई एक्सलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर हम अपना सामान रख सकते हैं, कपड़ा वगैरह गाड़ी को साफ़ करने के लिए। और हमें साथ ही साथ हमें यहाँ पर स्पीकर भी मिल जाते हैं। और भाई उधर भी मतलब ये हमें कुछ इसका हमारे सामान रखने के लिए हमें ये भी मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ और भाई ये पता हूँ, मुझे इन नोब का नहीं पता एक्चुअली ये क्या करने की होती है। आपको ये बताऊँ, हमें जब अपने बारिश बारिश आती है तो भाई हम क्या करते हैं, अपने डाइपर अपने ये चला लेते हैं, वो हम ऐसे चला लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन इस नोब का नहीं पता भाई मुझे, और इधर भी दी हुई है, पता नहीं हुंडई वाले किस लिए देते हैं ये नोब। और आप देखोगे इस गाड़ी में तो बहुत प्रीमियम लुक मिलेगा आपको, ठीक है। और एक बार मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देता हूँ। और भाई ये साउंड आ रही है इनकी भाई, गैस वगैरह है। तो ये देखो भाई, तो अब हम पीछे की साइड आते हैं, तो इसमें स्पेस वगैरह भी कुछ मतलब सही है, ठीक है। और भाई स्विफ्ट से ज़्यादा कुछ वो स्पेस है भाई इसमें, तो आपको स्पेस की बात है तो भाई मैं आपको बताऊं कि स्पेस तो भाई इसमें बोर्ड स्पेस भी ज़्यादा है स्विफ्ट से। और पीछे की तरफ आपको दिखा दूं भाई, ये इसमें मिट्टी है थोड़ी, इसको कर देंगे साफ, कोई बात नहीं है। और ये हमें एसी विन मिल जाते हैं पीछे की तरफ, ये साफ़ नहीं कर रखे भाई, तो इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। और इस और चारों की चारों विंडो इसकी बटन से है। और ये देखो भाई हेलोजन है। और आपको एक बार मैं बूट स्पेस भी जाकर दिखा देता हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा बूट स्पेस दिया हुआ है। चलो भाई चलते हैं हम बूट स्पेस की ओर। तो इसका बूट स्पेस देखो, ये देखो भाई हमने इसमें बेस दरवा ली है, वो बेस ये पसंद है भाई चाचा जी को, तो उन्होंने गाड़ी में रखवा दी। तो हम बात करें भाई इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम की, तो काफ़ी अच्छा है, मैंने तो सुना नहीं मतलब, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने कुछ तो भैया पीछे हमने दरवा दिए हैं बेस, तो उसकी वजह से भी इंफॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। और भाई हम अपने हैंडल को अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं सेट, तो इसको हम यहाँ पर अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर देते हैं। अब देखो भाई कितना मस्त नज़ारा है, हुंडई i20 भाई ठीक है, हमको क्या मतलब, चलाने में भी बहुत बढ़िया है, मस्त है, दी है भाई इसकी क्वालिटी आप देख लो भाई। तो एक बात आऊँ और भाई इसकी, अब जैसे इसमें कोई भी की नहीं लगाई हुई है, इग्निशन पे कोई भी कुछ भी नहीं है, तो भाई तो भी मैं इसके मिरर को अपना बंद कर सकता हूँ, आप खुद देख लो भाई, ये देखो, देखा भाई आपने, काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम इसमें। और बीच में वीडियो इसलिए स्टॉप की थी, वो बाइक वाला जा रहा था इसलिए। और नीचे ऑक्स वाला सिस्टम भी है, हमने कुछ इसमें नहीं करा हुआ है। और ऑटोमेटिक इसकी क्लाइमेट कंट्रोल है, मैंने आपको बता दिए। और साथ ही साथ इसके फंक्शन भी है, यहाँ पर हमेशा होता है कि
कितना टेम्परेचर है गाड़ी में फ़िलहाल। तो आपको कैसी लगी आई हुंडई i20 आप कमेंट में बताना प्लीज़। और भाई इसके रूफ को हमने करवा ली है ब्रैक, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा है। और भाई आप खुद देख लो एक बार हुंडई i20। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, और कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो थैंक यू भाई, अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।